दोस्तों मोटोरोला ने लॉन्च कर दिया अपने Moto G200, Moto G71, Moto G51, Moto G41 एंड Moto G31 स्मार्टफोन को काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज में। एंड दोस्तों ये स्मार्टफोन्स जल्दी ही आपको इंडिया में भी देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे Moto G31 स्मार्टफोन के बारे में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इस स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में एंड इस स्मार्टफोन के इंडियन लॉन्च डेट के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहेगा एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। बात करें इस स्मार्टफोन के डिजाइन की तो दोस्तों कुछ ऐसा दिखने वाला है Moto G31 स्मार्टफोन। पीछे की साइड यहाँ पे आपको टॉप लेफ्ट में कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको 3 कैमरा की हाउसिंग देखने को मिलेगी, एक LED फ्लैश देखने को मिलेगी, यहाँ पे रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आपको मोटो की ब्रांडिंग भी रियर साइड में देखने को मिलेगी। फ्रंट साइड में यहाँ पे आपको सेंटर पंच होल वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी, पतले पतले से बेजल्स होंगे, हल्की सी चिन्ह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अच्छा होने वाला डिजाइन, 8.55 mm स्मार्टफोन थिक होगा एंड 181 ग्राम इस स्मार्टफोन का वेट होगा। तो काफी अच्छा डिजाइन आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें इस स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक की बैक देखने को मिलेगी, प्लास्टिक का फ्रेम होगा, तो ओवरऑल प्लास्टिक बिल्ड आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा एंड ये स्मार्टफोन IPX2 रेटेड होगा, तो डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ ये स्मार्टफोन होगा। तो काफी डिसेंट सी बिल्ड क्वालिटी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको 6.4 इंचेस की फुल HD+ OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है। 60Hz का नॉर्मल रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो होगा, 411 PPI के आसपास की पिक्सल डेंसिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एंड दोस्तों यहाँ पे आपको काफी अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलेगी। अगर रिफ्रेश रेट थोड़ा सा ज्यादा होता तो अच्छी बात होती, लेकिन कोई बात नहीं, नॉर्मल रिफ्रेश रेट है एंड OLED डिस्प्ले है तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी डिस्प्ले के मामले में। बात करें कैमरास की तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें कि 50 MP का होगा मेन कैमरा, 8 MP का होगा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 MP का मैक्रो लेंस आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो रियर साइड में यहाँ पे आपको अच्छे कैमरास देखने को मिलेंगे। बात करें सेल्फीज की तो यहाँ पे आपको 13 MP का सेंटर पंच होल वाला सेल्फी कैमरा इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सेल्फी कैमरा भी बढ़िया देखने को मिलेगा। ओवरऑल यहाँ पे आपको डिसेंट कैमरास इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे। बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपको MediaTek का Helio G85 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक 4G चिपसेट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको 4G चिपसेट देखने को मिलेगा। गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको ठीक ठाक मिल जाएगी, डे टू डे यूजेज में भी यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको डिसेंट सी मिल जाएगी। बात करें इस स्मार्टफोन के रैम एंड स्टोरेज की तो दोस्तों यहाँ पे आपको 4GB रैम देखने को मिलेगी एंड 64GB/128GB स्टोरेज आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो रैम एंड स्टोरेज के मामले में भी यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करें बैटरी की तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, तो बैटरी साइज तो यहाँ पे आपको बढ़िया देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 10W की चार्जिंग देखने को मिलेगी, जो कि काफी कम स्पीड है। जी हाँ दोस्तों, 10W काफी कम स्पीड है, तो यहाँ पे आपको ये एक चीज डिसअपॉइंट कर सकती है इस स्मार्टफोन में। बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो दोस्तों स्मार्टफोन MIUX पे रन करेगा, जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको इस स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। बात करें कनेक्टिविटी की तो यहाँ पे आपको डुअल 4G वोल्ट देखने को मिलेगा, डुअल बैंड वाईफाई होगा, ब्लूटूथ 5.0 होगा, GPS का सपोर्ट होगा एंड दोस्तों NFC का भी सपोर्ट आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी के मामले में सारे ऑप्शंस इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे। बात करें सिक्योरिटी की तो यहाँ पे आपको फेस अनलॉक के साथ रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें पोर्ट्स एंड बटन्स की तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को मिलेगा, USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, पावर ऑन बटन होगा, वॉल्यूम रॉकर बटन होगा एंड दोस्तों यहाँ पे आपको डेडिकेटेड वॉइस असिस्टेंट बटन भी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें कलर वेरिएंट्स की तो दोस्तों ये स्मार्टफोन 2 कलर वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है, बेबी ब्लू एंड मिनरल ग्रे कलर में एंड ये दोनों कलर्स आपको इंडिया में भी देखने को मिलेंगे। बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइस की तो दोस्तों ये लॉन्च हुआ है €199.99 के प्राइस में, अगर इंडियन प्राइसिंग में कन्वर्ट करते हैं तो ₹16,851 प्राइसिंग बनती है, लेकिन ये स्मार्टफोन इससे कम प्राइसिंग पे इंडिया में लॉन्च होगा। अगर दोस्तों ये इस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होता है स्मार्टफोन तो क्या आप इस स्मार्टफोन को बाय करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बात करें इस स्मार्टफोन के इंडियन लॉन्च डेट की तो दोस्तों ये स्मार्टफोन दिसंबर के महीने में इंडिया में लॉन्च हो सकता है या फिर January 2022 यानी कि नेक्स्ट ईयर ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यही थी कुछ बातें जो मैं आपको Moto G31 स्मार्टफोन के बारे में बताना चाहता था। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।